हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम एलजेब्रा के सभी फॉर्मूला सीखेंगे। आप इनको एक कॉपी में नोट कर लेना और फिर बार बार इनको रिवाइज करना, तब जाकर आपको ये याद होंगे। पहला फॉर्मूला देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा टू ए बी। एक ऐसा ही फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस में टू ए बी। फिर एक फॉर्मूला बनता है इन दोनों के मिलाने से, अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर जमा में ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो प्लस का टू ए बी और माइनस का टू ए बी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा, ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर का दुगना बचेगा, यानी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी पहले लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस में a प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी सेम रहेगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, चाहे पहले माइनस लिखा हो चाहे पहले प्लस लिखा हो, दोनों में ये सेम रहता है। फिर आ जाएगा अगर इनको हम माइनस करें दोनों इक्वेशन को, तो a प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वेयर, तो ये कितना हो जाएगा, फोर ए बी। अगर माइनस वाले को पहले लिख दे ए माइनस बी का होल स्क्वेयर और माइनस में ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा माइनस फोर ए बी। अब इसको याद कैसे रखते हैं वो बताता हूँ। देखो जब बीच में माइनस आए तो दोनों ही केस में फोर ए बी होगा। अब दिक्कत इसमें रहती है कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो इसको ऐसे याद रखना है, अगर पहले प्लस वाला हो तो ये प्लस का होगा और पहले अगर माइनस वाला हो तो ये माइनस का होगा, और दोनों बीच में अगर प्लस हो तो उसमें कुछ दिक्कत है ही नहीं, इसमें दोनों केस में ही ट्वाइस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर रहता है। अब यहाँ से इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, अगर ए माइनस बी के होल स्क्वेयर को राइट साइड लेके जाएं तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस में फोर ए बी। और इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वेयर माइनस में फोर ए बी। तो आपको बस ये फॉर्मूले याद रखने हैं, इनको आगे पीछे लेफ्ट राइट किसी तरफ भी इनको लेके जा सकता है, तो अगर आपको ये याद है तो आप उसको सोल्व कर लोगे। एक पैटर्न आता है इसी पर, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वेयर और ए माइनस बी का होल स्क्वेयर और डिवाइड कर रखा हो ए बी से, यानी यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड लेके जाएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना होगा, फोर। इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको भी यहाँ से याद रख सकते हो। तो इन फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। एक आइडेंटिटी हो जाएगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर दे रखा हो ए की पावर चार माइनस बी की पावर चार, तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको कैसे सोल्व करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर दो और इसकी पावर दो, बी की पावर दो और पूरे की पावर दो हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये ए बन जाएगा और ये बी बन जाएगा, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। फिर उसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। आगे चलते हैं, जब पावर दे रखी हो आपको आठ, ए की पावर आठ माइनस बी की पावर आठ, तो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर चार जमा बी की पावर चार और ए की पावर दो जमा बी की पावर दो, ए प्लस में बी और ए माइनस में बी। इनको याद कैसे रखना है वो बताता हूँ। जब पावर दो दे रखी है तो इसको हाफ करेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी, एक, तो ए प्लस में बी लिखेंगे, पावर एक का है और लास्ट में ए माइनस बी लिखना है। जैसे यहाँ पर ए की पावर चार बी की पावर चार थी, तो पावर को आधा करेंगे तो दुगुना आएगा, यानी ए की पावर दो जमा बी की पावर दो, फिर दो को आधा करेंगे तो एक आएगा, तो ए जमा बी, ऐसे प्लस में लिखना है और लास्ट में ए माइनस बी की मल्टीप्लाई करनी है। देखो यहाँ पर आठ था तो आठ का आधा करेंगे चार आएगा, चार का आधा करेंगे दो आएगा, दो का आधा करेंगे एक, फिर इस भी प्लस में है और लास्ट में ए माइनस बी की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे ए की पावर 16 माइनस बी की पावर 16 दे रखा हो, तो क्या करना, पावर का आधा करो, ए की पावर 8 जमा बी की पावर 8, फिर 8 का आधा करेंगे ए की पावर 4 जमा बी की पावर 4, 4 का आधा करेंगे ए की पावर 2 जमा बी की पावर 2, 2 का आधा करेंगे तो ए की पावर ए और बी की पावर 1, ये रहेगा और लास्ट में ए माइनस बी की मल्टीप्लाई करना। देखो ये आइडेंटिटी पूछी गई थी अभी हाल ही के एग्जाम में, शायद स्टेट में पूछी गई थी, इससे जो पिछली बार हुआ था तब पूछी गई थी, अब की बार तो नहीं पूछी गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पर, ए प्लस बी का होल क्यूब दे रखा हो
तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB और मल्टीप्लाई में ए प्लस में बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वैसे ही है ये, उसमें स्क्वायर करना पड़ता था, इसमें क्या करना क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3AB, उसमें था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, इसमें ये एक्स्ट्रा है, ए प्लस बी की जो टर्म है उसकी मल्टीप्लाई करनी लास्ट वाली से, अब प्लस है तो सभी प्लस के रहेंगे, ऐसी होती है एक ए माइनस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3AB और माइनस AB का मल्टीप्लाई करना है, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अब 3AB की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे ए से और बी से, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3A² B और प्लस में 3AB². इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A² B और माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3AB². इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अब यहाँ से अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो इस टर्म को लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इनको लेफ्ट राइट लेके जा सकते हैं, अब बस आप इनको याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, पीछे था होल क्यूब, अब ये अलग अलग है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ए क्यूब प्लस बी और ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, यहाँ पर जो ए बी का साइन होगा वो इनसे अपोजिट होगा, यानी यहाँ पर प्लस है तो वो माइनस का हो जाएगा, ऐसे ही होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सारे टर्म माइनस कहेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, लेकिन जो ए बी का साइन है वो इनसे अपोजिट हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो इनको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक बात समझिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस टर्म को हम लिख सकते हैं ए प्लस में बी का होल स्क्वेयर और माइनस में 3AB, इस टर्म को ये लिखेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस में बी और ये हो जाएगा ए प्लस में बी का होल स्क्वेयर माइनस में 3AB, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, ए माइनस बी इसको हम लिख देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वेयर और ये हो जाएगा प्लस में 3AB, क्योंकि यहाँ से आएगा माइनस 2AB, उनको प्लस करेंगे प्लस 3AB में तो ये AB रह जाएगा, तो उम्मीद आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये फॉर्मूला बहुत आता है SSC में, तो ये हो जाएगा ए जमा बी जमा सी, ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर माइनस AB माइनस BC माइनस सी, तो कई बार क्या होता है AB और C की ऐसी वैल्यू हमें दे देता है, अगर उनको प्लस करेंगे तो वो जीरो बन जाएंगे, तो जीरो की मल्टीप्लाई किसी से करेंगे तो वो जीरो रहेगा, तो ABC की वैल्यू देकर हमसे ये पूछे तो चेक कर लेना क्या उनका सम जीरो बन रहा है, तो जीरो बनेगा तो ये जीरो के बराबर हो जाएगी, और कई बार क्या होता है AB और C की ऐसी वैल्यू आ जाती है बहुत बड़ी बड़ी तो उनका हम स्क्वेयर नहीं कर सकते, तो उसको हम फिर क्या लिखेंगे, इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, अगर हम इस पूरी टर्म को दो से मल्टीप्लाई करें और दो से डिवाइड करें तो यहाँ पर ये वही आइडेंटिटी बन जाएंगी, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वेयर के बन जाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो इसको हम लिख देंगे 1/2 और अंदर बन जाएगी ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वेयर, तो अब इस टर्म की जगह ये टर्म लिख देंगे, जब वैल्यू बड़ी दे रखी हो तो ए की, क्योंकि उनमें स्क्वेयर करना फिर मुश्किल रहता है और मल्टीप्लाई करना भी मुश्किल रहेगा, लेकिन डिफरेंस करके फिर स्क्वेयर करेंगे तो ईजी रहता है, देखो यहाँ से जब दो की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वेयर दो बार आएगा और ऐसे बी स्क्वेयर फिर दो बार आएगा और सी स्क्वेयर भी फिर दो बार आएगा, देखो अब ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर माइनस ए बी तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर और माइनस में बी सी तो बी माइनस सी का होल स्क्वेयर, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पर, ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वेयर दे रखा हो तो क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर वही आइडेंटिटी लग जाएगी, लेकिन इसमें एक सी टर्म और है तो इसको भी अलग से लिख देंगे, ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर जमा 2AB जमा 2BC जमा 2CA, ये इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, चाहो तो यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो,
तो ए प्लस बी जब सीधे रखा हो माइनस में तो क्या करना है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, ये तीनों तो प्लस के ही रहेंगे। अब ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, ए यहाँ पर पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो प्लस प्लस की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही रहेगा, यानी प्लस का 2ab होगा। अब बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो बी तो है प्लस का, सी है माइनस का, तो प्लस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, यानी यहाँ से आएगा माइनस का 2bc। अब ए और सी की मल्टीप्लाई करनी तो ए है प्लस और सी है माइनस, यानी यहाँ से भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस सी ए। फिर हो अगर बी माइनस का और सी हो प्लस का, तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर। अब मल्टीप्लाई करनी है ए और बी की, तो एक है प्लस का और एक है माइनस का, तो ये हो जाएगा 2ab माइनस का। बी और सी की करेंगे तो माइनस का 2bc, और सी ए और ए की करेंगे तो दोनों प्लस के हैं तो 2ac ये हो जाएगा। जब हो दोनों बी और सी माइनस के तो ये हो जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। अब ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2ab, बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस से दोनों तो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस में 2bc। सी और ए की करेंगे तो माइनस में 2ca। अब जब तीनों ही नेगेटिव हों, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, तो क्या करना है, ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा सी स्क्वेयर। तो ए और बी की मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस के हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे ए बी, यहाँ से प्लस का 2bc और प्लस में 2ca है, तो पांच फॉर्मूले यहाँ से बढ़ेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गए होंगे, यही आइडेंटिटी थी। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। जब दे रखा हो कि x प्लस में 1/x p के बराबर है और पूछे x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर क्या होगा, तो क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वेयर कर दें इसका, तो ये कितना हो जाएगा, देखो दोनों साइड अगर स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। अभी सोल्व किया था, ए स्क्वेयर होता है प्लस में 1/x का स्क्वेयर हो जाएगा, क्योंकि बी है तो बी का स्क्वेयर प्लस में 2ab, ए है यहाँ पर x, बी है यहाँ पर 1/x, और ये हो जाएगा पी स्क्वेयर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा x से x, तो x स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर कितना हो जाएगा, पी स्क्वेयर 2, यहाँ पर प्लस का तो राइट साइड आएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा पी स्क्वेयर माइनस में 2, ये याद रखना आपको। नेक्स्ट करते हैं, जब दे रखा हो x माइनस 1/x p के बराबर और पूछे x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर क्या होगा, तो ये हो जाएगा p स्क्वेयर प्लस में 2, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वेयर की आइडेंटिटी बनेगी, वहाँ से माइनस 2ab भी आएगा जो कि राइट साइड आकर फिर प्लस का हो जाएगा। फिर आपको दे रखा हो, इनका अपोजिट पूछा हो, जैसे x स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर दे रखा हो आपको p, और पूछे x प्लस में 1/x कितना होगा, तो क्या करना है, ज़्यादा से कम वाली पावर पर जाना है तो प्लस से प्लस पर जाना है, तो क्या करो पी में 2 ऐड कर दो, प्लस पूछा ना तो प्लस 2 और फिर इसका रूट निकाल दो। आपसे पूछे एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर दे रखा हो पी और बोले कि एक्स माइनस 1/x कितना होगा, तो माइनस की वैल्यू निकालनी है तो क्या करोगे, पी में से 2 माइनस करोगे और इसका रूट निकाल दोगे, वही आइडेंटिटी बनेगी यहाँ पर भी। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पे। एक्स प्लस 1/x आपको दे रखा हो पी और पूछे एक्स माइनस 1/x कितना होगा, यानी प्लस की जो वैल्यू दे रखी है माइनस की वैल्यू पूछे, वेरिएबल सेम होनी चाहिए यहाँ पर, साइन सिर्फ चेंज होना चाहिए, तो प्लस से माइनस पर जाना, माइनस की वैल्यू पूछिए तो क्या करोगे, पी का स्क्वेयर और माइनस में 4 और इसका रूट निकालना है। फिर आपको दे रखा हो एक्स माइनस 1/x पी और पूछा हो एक्स प्लस 1/x, तो क्या करना है, प्लस की वैल्यू पूछी है तो पी स्क्वेयर प्लस में चार करना है और इसका रूट निकालना है। एक्स प्लस 1/x आपको दे रखा हो पी और पूछे एक्स क्यूब प्लस 1/x³, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी क्यूब माइनस 3p। अगर दोनों साइड हम क्यूब कर दें तो ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लग जाएगी, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए बी कैंसिल हो जाएंगे और डिवाइड में ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी की वैल्यू पी दे रखी थी जो कि राइट साइड आकर फिर माइनस का हो जाएगा 3p। ऐसे ही दे रखा हो कि एक्स माइनस 1/x पी के बराबर है और एक्स क्यूब माइनस 1/x³ कितना होगा, तो ये हो जाएगा पी क्यूब प्लस में 3p, ए माइनस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ पर लग जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट। स्क्वेयर सीख लिया, क्यूब सीख लिया, जब पावर ऑफ 4 पूछे तो कैसे करेंगे, एक्स प्लस 1/x
आपको दे रखा है पी और पूछे कि एक्स की पावर 4 जमा एक्स की पावर 1 बाई एक्स की पावर 4 निकालो। तो क्या करना, पहले स्क्वायर निकालना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या करना था, स्क्वायर वाली में पी का स्क्वायर करेंगे और माइनस में 2। तो फिर इससे ये पावर 4 निकालना, यानी कि इसका स्क्वायर करना। अब तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करो और उसमें से माइनस 2 कर देंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, सॉरी। अब चलते हैं, जब पावर आपको 5 पूछी हो, एक्स प्लस 1 बाई एक्स, ये दे रखा हो पी और पूछे कि एक्स 5 प्लस में 1 बाई एक्स की पावर 5, ये कितना होगा। तो इसको कैसे सोल्व करना है, यहाँ पर आपको सोल्व करना पड़ेगा एक्स की पावर 2 जमा एक्स की पावर 2, ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी एक तो, और एक निकालनी पड़ेगी एक्स की पावर 3 जमा 1/x³। ये मैंने अभी पीछे बता दिया कैसे निकालना, तो ये पावर आपको यहाँ से निकालनी पड़ेगी और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर एक्स की पावर 5 प्लस में, और इसकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x³। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी 1/x³ से, तो ये हो जाएगा 1/x। 1/x² की मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से करेंगे तो प्लस में एक्स हो जाएगा, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, और यहाँ से आएगा एक्स की पावर 5 प्लस में 1/x⁵, और एक्स प्लस 1/x ये आपको दे रखा है पी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, जो मल्टीप्लाई इनकी आएगी एक्स क्यूब प्लस में 1/x³, उसमें से क्या करना है, इस पी को लेफ्ट से लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो पी को फिर माइनस कर देना है, ये हो जाएगी इसके बराबर। जब आपसे पूछे कि एक्स की पावर 5 माइनस 1/x⁵ बताओ, तो क्या करोगे, इनमें से किसी भी एक वैल्यू को माइनस बना लेना, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x² निकाल लेना, या फिर एक्स क्यूब माइनस 1/x³ निकाल लेना, उससे क्या, फिर एक्स की पावर 5 माइनस 1/x⁵ निकल कर आ जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट, जब पूछियो आपसे एक्स की पावर 6 तो कैसे करना है, एक्स प्लस में 1/x ये दे रखा हो पी, और आपसे पूछे एक्स की पावर 6 प्लस में 1/x⁵। तो क्या करना, पहले स्क्वायर निकाल लो तो फिर क्यूब करना पड़ेगा, और पहले क्यूब निकाल लोगे तो फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी यहाँ से अगर आप स्क्वायर निकालो, स्क्वायर हमने अभी सीख लिया था, तो स्क्वायर निकाल के फिर आपको इसका क्यूब करना पड़ेगा। स्क्वायर हमने अभी निकाला ही था, क्या हो जाएगा, ये पी दे रखा, तो पी स्क्वायर माइनस में 2, और इसका फिर आपको क्यूब करना पड़ेगा। यहाँ से क्यूब करोगे तो कितना आएगा, ए क्यूब, यानी यहाँ से हो जाएगा पावर 6 प्लस में बी क्यूब प्लस में 3 AB, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई में ए प्लस बी, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, पी स्क्वेयर माइनस 2, और ये फिर राइट साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी पी स्क्वेयर माइनस 2 इसका होल क्यूब और माइनस में 3 PS² माइनस में 2, ये हो जाएगा। इसको सोल्व करोगे क्वेश्चन में तो अच्छे से समझ पाओगे, ये ऐसे समझ नहीं आएंगे आपको, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जब आपको दे रखा हो कि एक्स जमा में 1/x, ये है 2 के बराबर, तो इसमें एक्स हमेशा 1 ही रहेगा, फिर आपसे चाहे कुछ भी पूछे, जैसे एक्स की पावर 99 जमा में एक्स की पावर 102, ये कितना होगा। तो आपको पता है कि एक्स 1 के बराबर है, तो यहाँ पर 1 रखोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा ये। फिर आपको दे रखा हो कि एक्स प्लस में 1/x माइनस 2 के बराबर है, तो यहाँ पर एक्स हमेशा माइनस 1 होगा, माइनस 1 यहाँ पर रखोगे, माइनस 1 यहाँ पर रखोगे, दोनों को जोड़ोगे तो माइनस 2 आएगा। फिर आपसे चाहे कुछ भी पूछ ले, जैसे एक्स की पावर 98 जमा में 1/x⁸, तो एक्स जगह माइनस 1 पुट कर देना, माइनस 1 की पावर सम संख्या तो प्लस का 1 हो जाएगा, यहाँ से प्लस का 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि पावर इवन है या फिर ओड है। अब चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जब दे रखा हो कि एक्स जमा 1/x ये 1 के बराबर हो, तो यहाँ पर हमेशा जो एक्स क्यूब निकल कर आएगा वो माइनस 1 के बराबर आएगा, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 1 को अगर लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 0 को, और एक्स क्यूब 1 को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होती है, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या समझना है कि पावर में जब डिफरेंस 3 का हो तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से कैसा क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे ए की पावर 12 जमा में ए की पावर 9 जमा में ए क्यूब और जमा में 2, ये आपसे पूछा हो तो क्या करोगे। आपको पता कि पावर में डिफरेंस जब 3 का हो तो ये 0 बन जाएगा ये, तो और ए क्यूब आपको पता कि ये माइनस 1 है और ये प्लस में 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1, 1 इसका आंसर हो जाएगा। एक यहाँ से आता है, जब एक्स
प्लस वन बाई एक्स माइनस वन के बराबर दे रखा हो, तो इसमें क्या होगा, जो एक्स क्यूब होगा वो वन के बराबर आएगा। और वन को अगर लेफ्ट से लेके जाएं तो एक्स क्यूब माइनस वन किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। अब ये कैसे आते हैं, अगर हम यहाँ से समझे तो एक्स स्क्वेयर प्लस में वन बाई एक्स स्क्वेयर ये कितना हो जाएगा, अभी समझा था, इसका स्क्वेयर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का वन और माइनस दो करेंगे तो माइनस वन ही रहेगा ये। अब यहाँ से क्या करते हैं, दोनों साइड एक्स की मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस में वन बाई एक्स और बराबर माइनस एक्स। तो माइनस एक्स को लेफ्ट से लेके आते हैं तो एक्स क्यूब प्लस में वन बाई एक्स और प्लस में एक्स बराबर जीरो। अब एक्स प्लस में वन बाई एक्स ये तो हमें दे रखा था माइनस वन है, यानी एक्स क्यूब और माइनस वन किसके बराबर है, जीरो के। तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ से, वन। यहाँ से आपको डायरेक्ट ये याद रखना है कि एक्स प्लस में वन बाई एक्स अगर प्लस का वन दे रखा है तो एक्स की पावर तीन माइनस वन के बराबर रहती है, और जब माइनस वन के बराबर दे रखा हो तो एक्स क्यूब कितना होता है, प्लस का वन होता है। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब चलते हैं लास्ट कंसेप्ट पे। जब दे रखा हो कि एक्स जमा एक बटा एक्स ये रूट तीन के बराबर हो, तो यहाँ से हमेशा जो एक्स की पावर 6 होती है वो माइनस वन के बराबर होती है। या इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 6 माइनस वन को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो प्लस का वन बराबर जीरो के। एक्स की पावर 6 वन को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर जीरो, तो ये जीरो के बराबर होगा। तो जब भी पावर में 6 का डिफरेंस हो तो वो जीरो हो जाएगा। और एक्स प्लस में वन बाई एक्स आपको रूट थ्री दे रखा हो, तब ये दे रखा हो आपको और आपसे पूछे कि एक्स की पावर 48 जमा में एक्स की पावर 42 जमा में एक्स की पावर 36 जमा में एक्स की पावर 30 और जमा में 3, तो इसका आंसर कितना होगा। तो आपको पता है कि डिफरेंस जब पावर में 6 हो तो ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा, तो 0 और जमा 3, तो इस 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। तो एलजेब्रा में इतने ही कंसेप्ट बनते हैं, अगर इनसे कुछ बाहर आता है तो वो आते हैं फिर वैल्यू पुट मेथड से, वहाँ पर आपको कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और वहाँ से फिर क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा। तो इन फॉर्मूले को आप बार बार रिवाइज करना, तब जाकर आपको ये याद होंगे, एग्जाम में डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी भी इस कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं।